हारमोनियम पर भी हाथ अच्छा होगा। इससे क्या है, आपको गीत निकालने में भी थोड़ी बेनिफिट मिलेगा, है ना। जब आप गाने निकालते हो तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है ये भी जानो। हारमोनियम पर ऐसे हाथ उठा उठा के लगाने से गाना निकालने का क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है? तो ये यहाँ पर जो बैलेंस है ये हारमोनियम में नहीं होता है लोगों के, है ना। वो बैलेंस ही तो चाहिए कि कहाँ साउंड लाउड चाहिए और कहाँ कम चाहिए। अभी जैसे मैं बजा रहा हूँ ऐसा, तो गाने के साथ आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, भला गमों से कि अगर तेजी तेजी लानी है उंगलियों में तो किस तरह से बजाना होगा, उसका फिंगर पोजीशन क्या होगा और हैंड पोजीशन क्या होगा, उस पर मैंने उसमें चर्चा करी है ना। तेजी और सफाई दोनों, स्पष्टता, क्लैरिटी और स्पीड दोनों जरूरी होती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ तेजी, तेजी तो फिर घचड़ पचड़ कुछ भी बजाया जा सकता है, लेकिन उसमें क्लैरिटी भी हो, सफाई भी हो, जो भी आपका वादन चल रहा है वो साफ साफ सुनाई दे कि आपने क्या बजाया, और हर एक अक्षर जो है, हर एक सुर जो है उसमें बारीक समझ आए कि हाँ ये वाला सुर इन्होंने लगाया, और ऐसा नहीं कि जानबूझकर, मतलब क्या गलती से लग गया वो हाथ, स्लिप हो गया, है ना, नहीं, जानबूझकर लगाया है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए क्या टेक्निक बताई थी, हाथ को उठा उठा कर लगाना, है ना। जिस तरह से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमको दौड़ने के लिए कदमों को उठाना पड़ता है, तो उसी तरह से उंगलियों को अगर दौड़ाना है तो उन्हें भी उठाना पड़ेगा, है ना। और ये वो स्टाइल है जो जिसमें अधूरा अधूरा सुर लगता है, पूरा पूरा प्रेशर नहीं लग रहा है सुर पे, उसकी जो आस है वो लंबी लंबी नहीं जा रही है, अधूरी अधूरी जा रही है, है ना। जैसे दो तरीके बताए थे, एक तो सारे गमा पधनी सा ऐसे बचता है, और एक बचता है ना, सुर कट कट के लगता है। तो जब कट कट के लगेगा वो गायकी के लिए नहीं है, वो वादन के लिए है, है ना, वो हाथ में स्फूर्ति लाने के लिए है, तेजी लाने के लिए है। लेकिन जो पूरा पूरा सुर है वो गायन के लिए है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप गा रहे हो तो यू नीड सपोर्ट, सुनना है आपको, है ना, सुरों को। तो अगर कट कट के किया तो वो सुनाई नहीं देगा प्रॉपर आपको पूरा सुर, है ना। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीकों में आना चाहिए बजाना, ठीक है। जैसे चलना और दौड़ना दोनों आना चाहिए भी, तो उसी तरह से बजाने के भी दोनों तरीके हैं, दोनों आने चाहिए। अब हैंड पोजीशन मैंने उसमें बताई थी कि भाई उंगलियों का रख रखाव कैसा, कि हाथ ऐसा होना चाहिए आपका, स्ट्रेट कड़क नहीं, है ना, और ज़्यादा एकदम ढीला भी नहीं, जानबूझकर इसको मोल्ड नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा रखा और उंगलियां वैसी ही जाएं, है ना। और हाथों का जो चलन है या उंगलियों का जो चलन है वो हमेशा सीधा रहे। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं बजाने से पहले, अलंकार बजाने से पहले ही हम जान लें तो बेहतर होगा कि हाथ रखना कैसे है, है ना। यहीं से अगर शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना बजाना शुरू कर दिया अभी, वैसे तो थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी आप लोग बजाते होंगे, पर उसमें ही तो सुधार करना है। बजाना तो आपको आता है, मैं चीज़ें दे दूं, मैंने हमेशा से कहा है ना कि इट्स नॉट द कंटेंट, कि वो चीज़ें उसमें है कि चीज़ करने से असर हो जाएगा, वो तो हो गई भाई, रियाज करने से तो असर होता, पर सही ढंग से करोगे तब जाके असर होगा, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको मैंने बता दिया चलो रियाज करना है, ओम, ये पांच अक्षरों का रियाज करो, अब आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह से उसका उच्चारण भी गलत, वॉइस थ्रो भी गलत, तो उसका असर कैसे सही हो सकता है। उसी तरह से हारमोनियम पर अलंकार बजाने से तो होता है कि भाई अलंकार, थाट, पिच, ये सब सीख लो, रागे बजा लो, बंदिशें बजा लो, तो हाथ में स्पीड आ जाती है, सफाई आ जाती है, पर कैसे आती है उसके लिए तरीका है कि इस ढंग से करोगे तो आएगी। तो उसके ढंग क्या है, हैंड पोजीशन है, फिंगर पोजीशन है, हाथ रखना है तो सीधा सीधा चले, ये ना हो कि उंगलियां क्रॉस हों। वो उंगलियां क्रॉस कब नहीं होंगी, जब पर्टिकुलर सुर पे कौन सी पोजीशन होगी फिंगर की, कि जब सारे गमों बजाया और रे गमों पर आए, है ना। अभी आपके सामने हारमोनियम रखा हुआ है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि सारे ग म और फिर बजाओ रे ग म प, तो जब आप सारे ग म बजाओगे तो ऑटोमेटिकली म पे पहली उंगली लगा दोगे, है ना। करके देखो, सारे ग म बजाओ, जब सारे ग म बजाओगे तो मध्यम पे आपकी उंगली पहली चली जाएगी, लेकिन जब मैं कहता हूँ फिर इसके तुरंत बाद रे ग म प बजाना है, तो रे ग म प कैसे बजाओगे फिर जब म पे पहली उंगली लग गई, तो फिर उंगली खाली बची नहीं रिटर्न आने के लिए, है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि सारे गम बजाते समय मुँह पे दूसरी उंगली लगाओ, जब दूसरी लगाओगे तो पहली फ्री हो गई अपने आप ही, है ना भाई, सारे गम, तो मुँह पे अगर दूसरी लगी तो पहली फ्री हो गई अपने आप, तो वो रिटर्न आ गए। तो ये कुछ तरीका है उंगली लगाने का, ये मेरे पिताजी ने ऑब्जर्व किया है कि लोग हारमोनियम तो बजाते हैं लेकिन बताता कोई नहीं है कि उंगली कहाँ कौन सी लगानी है, है ना। तो ये कुछ उनकी ही रिसर्च है कि हारमोनियम बजाना भी है तो इस तरह से बजाओ कि फिर हाथ फंसे नहीं आपका, और हाथ खुला रहे हमेशा, ऐसे ही बढ़े इस तरह से और ऐसे ही वापस आए, ये इतना स्मूथ मूवमेंट हो।
बोलिए आप। हाँ, स्पीड इंक्रीज के लिए बिल्कुल नहीं, नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि अब उतना स्पीड में गायकी होती नहीं ना, उतनी स्पीड में गायकी होती नहीं, क्लासिकल गायकी होती है, जो सुगम गायन है वो उतनी गति में होता ही नहीं, सुगम गायन की गति बस ये ठीक है, इससे ज़्यादा कोई तेज़ नहीं लेता, ये जिसे हम मध्य लय कह देते हैं, है ना। वो जो टेक्निक मैंने बताई उठा उठा के, उससे क्या होता है, आप अगर बीच में म्यूजिक दे रहे हो या शास्त्रीय संगीत में अगर आप संगत कर रहे हो शास्त्रीय गायन के साथ, तो उसमें लंबी लंबी ताने होती हैं। अब जैसे ए रे आ ले आ, अब ये जो बजेगा, अब इसके साथ अगर आपको बजाना है, या ये अलंकार मैंने बोला इसका रियाज करना है, सारे गा मा बा सा नि सा मा ग रे सा, इस गति में अगर आपको अलंकार का रियाज करना है तो उंगलियां भी तो वैसी चलनी चाहिए कि नहीं, अगर हारमोनियम के साथ करते हो तो, वरना तो नहीं ठीक है, कि हारमोनियम के साथ नहीं कर रहे हो तानपुरे पर कर रहे हो बगैर सिर्फ एक पिच लेकर रियाज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर वादन भी करना है साथ में इसी के, तो कैसे करोगे जब हाथ ही उतना तेज नहीं चलेगा तो, है ना, तो वो ना हो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ये तरीका भी सीख लो, क्या इसमें बुराई तो है नहीं, है ना, दोनों तरीके आने चाहिए बजाने के लिए, है कि नहीं। ये तो नहीं कि यार हमें तो दौड़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो हम क्यों जाने टेक्निक के दौड़ा कैसे जाता है ढंग से, है ना, पर जान लेना उसमें कोई बुराई नहीं होती, कभी ना कभी जरूरत उसकी पड़ जाएगी आपको, है ना, और हारमोनियम पर भी हाथ अच्छा होगा, इससे क्या है आपको गीत निकालने में भी थोड़ी बेनिफिट मिलेगा, है ना, जब आप गाने निकालते हो तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है ये भी जानो, हारमोनियम पर ऐसे हाथ उठा उठा के लगाने से गाना निकालने का क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, वो ये है कि गानों में होती बारीकियां, बारीकियां यानी छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण लगते हैं, है ना। अब जैसे आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, 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 नहीं। एक ही सुर पे दो सुर लगाए गए हैं, है ना, ये छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हें मुर्गियां कहते हैं। अब अगर हाथ स्पीड में चल रहा है तो ये छोटी छोटी बारीकियां भी आप निकाल लेते हो, बजा लेते हो, वरना क्या करते हो, ओवरऑल बजाते हो। अब जैसे दो तरीके हैं बजाने के, एक तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा पूरा सुर बजा रहा हूँ। अब बारीकियां भी अगर मुझे बजानी होंगी तो हाथ में मेरे वो अगर स्फूर्ति नहीं है, वो स्पीड नहीं है हल्की हल्की, तो वो कैसे आएगा, जैसे ये आपको कण नजर आ रहे हैं, है ना, मुझे सुनाई दे रहे होंगे, ये जो कड़ा, जैसे हम कड़ा बोलते हैं ना, एक तो हम क और ड बोलेंगे और एक बोलेंगे कड़ा, तो ये हल्के हल्के बारीक बारीक कट कट जो जा रहे हैं, वो कट कैसे आएंगे अगर आपके हाथों में स्फूर्ति नहीं है, स्पीड नहीं है, तो वो कट नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए भी ये जो तकनीक हम बताते हैं कि हाथ को उठा उठा के लगाओ, हाथ को उठा उठा के रियाज करो, वो यहाँ भी आपके सहायक हो जाती है, है ना, कि जब गीत निकालोगे तो गीत में आपको वो बारीकियां बजाने में आसानी होगी, वरना क्या होगा, कान तो पहचान रहे हैं कि यहाँ पे जोर चल चल, ये उन्होंने तो गाया है, लेकिन आप बजा नहीं पाओगे, है ना, आपका जो असमर्थ हो गए बजाने में, क्यों, क्योंकि वो हाथ उतना नहीं चलता है। तो इस वजह से भी हम कहते हैं कि दोनों तरीकों से आप बजाना सीख लो, ठीक है। एक धमन चलाने का भी तरीका मैंने उसमें बताया है कि धमन किस तरह से चलानी, भाई बेलों पर हाथ, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, आपकी थंब जो है वो अगर अंदर की साइड रखो और बेलो फिर पकड़ो तो वो जल्दी जल्दी नहीं चलाओगे फिर, वरना क्या होता है, ये अंगूठा बाहर आता है तो ऐसे ऐसे धमन चलाने लग जाते हैं हम, है ना, तो ज़्यादा सांस भरते हैं और हारमोनियम पर सुर उतना बजाती नहीं तो हवा बाहर आती नहीं, है ना, तो वो खाली होता ही नहीं तो ख़राब होता है हारमोनियम, इससे कि आप ओवर, तो हवा तो ओवर भर रहे हो लेकिन उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उतना बजा नहीं रहे हो, ठीक है। दूसरा, सुरों का बैलेंस, ये बहुत बारीक चीज़ है, हारमोनियम बजाते समय वॉइस का बैलेंस कैसे हो, यानी जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो बोलने में मेरा कंट्रोल है कि मैं बोलते बोलते अभी इस पिच पे बोल रहा हूँ, बोलते बोलते ये मेरा पिच बढ़ भी गया, ये बढ़ता जा रहा और ये मैं भी कम कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर जो बैलेंस है ये हारमोनियम में नहीं होता है लोगों के, है ना, वो बैलेंस ही तो चाहिए कि कहाँ साउंड लाउड चाहिए और कहाँ कम चाहिए। अभी जैसे मैं बजा रहा हूँ ऐसा, तो गाने के साथ आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, है ना, वरना इसको मैं अगर लाउड बजाऊं, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं,
तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या तो मैं गा रहा हूँ ना क्या तो बज रहा है, वो दोनों एकदम क्लैश हो रहा है आपस में, है ना। तो वो क्लैश कब नहीं होगा, जब धमन पर कंट्रोल होगा बेसिकली, कि कौन से सुर को कितने प्रेशर से बजाना है और धमन पे कितना प्रेशर रखना है, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो प्रेशर वही उंगलियों का प्रेशर है ना, कि कौन से सुर पे मैंने ज्यादा प्रेशर दिया है। वैसे हाथ मेरा पूरा पोजीशन है, चार सुर एक साथ लगाए हैं, लेकिन ये वाली उंगली का प्रेशर अलग है, ये वाली का अलग है और ये वाली का अलग है। तो ये कंट्रोल आ पाना ये भी मुश्किल काम है भाई। हाथों का कंट्रोल होता है ना, मैंने पहले भी ये एग्जांपल तो शायद दिया होगा कि एक आप एक छोटे बच्चे को चांटा लगाते हो और एक जिसकी कोई वाकई गलती होगी, किसी चोर को आपको मारना होगा, तो किस प्रेशर से मारोगे। तो आपके वो हाथ में अगर प्रेशर कंट्रोल है तो होगा वो काम, वरना बच्चे को भी उसी जोर से मार दिया तो फिर दिक्कत हो जानी है, और अगर उस चोर को ऐसे मारोगे तो भी दिक्कत हो जानी है, है ना। तो वो क्या है, हाथ पे ही तो कंट्रोल है आपका, कि भाई उसमें पावर का कंट्रोल, स्ट्रेंथ का कंट्रोल आपके मसल्स में, आपकी बोन्स में, आपके हाथ में होना चाहिए, वॉलंटियर होना चाहिए वो, ठीक है। तो उसी तरह से उंगलियों में भी है हारमोनियम बजाते समय, कि कौन सी उंगली पे कितना प्रेशर है ना। हम हाथों पे तो होता है पर उंगलियों में हमारा उतना प्रेशर नहीं होता है आम इंसान का, लेकिन एक हारमोनियम वादक का उंगलियों पे भी प्रेशर होता है, कि ये वाली उंगली का वजन अलग है, ये वाली का अलग है। जब तबला भी बजाते हैं तब भी यही होता है, साउंड मॉड्यूलेशन करने के लिए अगर मुझे लाउड बजाना है तो मैं ऐसा भी बजा सकता हूँ और मैं ऐसा भी बजा सकता हूँ, इतना लाउड भी और ये भी, है ना। अब ताली भी तो है ना, आप ताली अलग अलग साउंड से बजा सकते हो कि नहीं। बहुत लाउड बजानी होगी तो कितना प्रेशर पड़ेगा, और हल्की हल्की बजानी होगी तो कितना प्रेशर पड़ेगा। तो यही काम हारमोनियम में भी होता है, कि कौन सी उंगली पर प्रेशर है ना, इससे क्या भराव मिलता रहता है। एक होता है बहुत ब्लैंक ब्लैंक खाली एक सुर, जैसे मैंने बताया था ना स्वर संवाद एक चीज होती है, कि ये अगर तीन सुर साथ में लगाए तो बुरे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये अगर यही तीन सुर ये वाले लगाए तो ऐसा लग रहा है क्या बजा दिया बेसुरा सा कुछ, है ना, एकदम खरीब खरीब के सुर हमने बजा दिए, है ना। तो ये जब तीन सुर बजाए हैं लेकिन गा एक ही रहा हूं, लेकिन पीछे मेरे चार सुर बजाए मैंने सा मा धा सा, और गा रहा हूं ना, अभी भी एक ही गा एक ही सुर रहा हूं, लेकिन बज पीछे तीन रहे हैं, है ना। लेकिन जो गा रहा हूं उस पर ज्यादा प्रेशर है और बाकी दो सिर्फ भराव दे रहे हैं, है ना, फिलर्स जिसे हम कहते हैं, है ना, साउंड को फिल कर रहे हैं। तो वो खाली खाली नहीं लगेगा। एक तो आप सा लगाते हो, सिर्फ सा लगा के सा लगाओ, और एक सा प सा लगा के आप सा लगाओ, या सा ग प लगा के आप सा लगाओ, या प सा ग लगा के आप सा लगाओ। प ले लो मंद्र का, सा ले लो मध्य का, और ग ले लो आपका मध्य का, प सा ग लगाओ और फिर सा बोल के देखो, तो एक भराव मिलता है आपको पीछे से, है ना, है ना। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं कि आपको उंगलियों पे प्रेशर दोगे। अब उसमें प सा ग तो लगाया, लेकिन अगर प पे और ग पे ज्यादा प्रेशर दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे कौन सा सुर मैच करना था, मुझे तो गाना तो सा था लेकिन पीछे मुझे सुर प का मिल रहा है। तो वो नहीं हो, उसके लिए क्या, उंगलियों का प्रेशर कंट्रोल जरूरी है, कि किस सुर पर प्रेशर देना है, ठीक है।